नहीं मज़ा नहीं आया। एक काम करता हूँ, ये कर्टन खोल ही देता हूँ तो लाइट भी अच्छी आएगी फेस पे, बात करने में भी मज़ा आएगा। अब ठीक है। तुम लोग है ना, इमेजिन करो एक लड़का है जो इंडिया से कभी बाहर नहीं निकला, कभी दूसरी कंट्री गया ही नहीं है, कभी रहा ही नहीं है, उसको तुम लंदन में ला के पटक दोगे तो कैसे रहेगा? तो आगे की सारी स्टोरीज इसी बारे में है। मैं ना अभी जस्ट 5 मिनट पहले उठा हूँ और अभी है ना 12:20 हो रहा है, मेरी 1 बजे क्लास है, तो उसके लिए मेरे को फटाफट निकलना है, रेडी होना है। तो पता नहीं मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ। देख लेता हूँ बाहर कितनी ठंड हो रही है, उसके हिसाब से कपड़े पहनूँ। ज़्यादा ठंड नहीं है आज, मतलब पहन सकता हूँ नॉर्मल कपड़े। एक काम करता हूँ, टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को हेयर कट कराने भी जाना है और ये गंदी नहीं करना चाहता मैं, तो टी शर्ट भी चेंज कर लेता हूँ। अब ठीक है, ट्वेल्व फिफ्टी टू पे तो मैं रूम से निकला हूँ, 20 मिनट्स लगते हैं मेरे को क्लास पहुँचने में। स्टार्टिंग की तो क्लास मिस हो गई है, लेकिन जाना तो है ही ज़रूरी है बहुत। जब तक पहुंचूंगा ना तब तक आधे घंटे की क्लास तो मिस हो ही गई होगी अब, लेकिन क्लास जाना जरूरी है, अटेंडेंस की जरूरत है। मेरी टू क्लास, लेकिन थोड़ा लेट हो गया हूँ। बंद हो जा। चलो क्लास में तो ज़्यादा कुछ मिस हुआ नहीं था, तो आराम से क्लास हो गई। अभी मेरे को बाबा के पास जाना है, बाल कटवाने हैं, बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं सीधा बार्बर के पास जा रहा हूँ। देखो जब मैं इंडिया में था ना, मैं ना 80 रुपये के बाल कटवाता था, और वहाँ पे वो नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने ऐसे सुना है कि 10 या 12 पाउंड या 15 पाउंड ऐसे के हेयर कट होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1100-1200 रुपये मान लो, तो 1100-1200 रुपये मुझे हेयर कट में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन 2 महीने से बाल कटाया नहीं है, तो अब कटाना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं कि बाल अच्छे कटते हैं या मेरा अच्छा कटता है।
तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक क्विक ट्रांजेक्शन के बाद हेयर कट करवा के। 1 2 3 सो हाउ इज इट, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं? देखो ये जो हेयर कट हुआ है ना, ये 10 pound में हुआ है, तो मेरे को तो ठीक ही लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है लेकिन ज़्यादा गंदे भी नहीं है, तो काम चला हुआ है। 10 pound वर्दी है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है काम चल जाएगा मेरा 2 महीने का। तो है ना, आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं ना क्विकली बता देता हूँ कि मैं लंदन आया क्यों हूँ। मैंने बताया था पहले कि मैं लंदन आया हूँ, चलो ठीक है मैं लंदन आया क्यों हूँ ये बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो बताया था मैं कि डेलॉइट में जॉब कर रहा था, मैं 1 साल हो गया था मेरे को उधर जॉब करते हुए एज एन एनालिस्ट, और जॉब करते करते मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे मास्टर्स करनी है। तो मास्टर्स करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, MS प्रोग्राम करने आया हूँ लंदन में, और मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और जो मेरा कोर्स है वो है डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें 1 साल का कोर्स है बस, तो ये तो कन्फर्म है कि मैं 1 साल के लिए तो लंदन में ही हूँ। ठीक है, तो ना आज के लिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन शायद मेरी तरफ से काफ़ी है। अब लंदन में तो हूँ, खूब सारे व्लॉग्स बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे, और मैंने ना सोचा था कि मैं जब लंदन जाऊँगा ना तो व्लॉगिंग प्रॉपर स्टार्ट कर दूँगा। और मैं यहाँ पे आया था 17 September को और आज है 23 November, तो ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या मैनेज करनी पड़ी थी, मेरे लिए सब कुछ नया नया था, तो पता नहीं मेरा इधर ध्यान गया ही नहीं था। तो अब व्लॉगिंग मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर होने वाली है, और धीरे धीरे चीज़ें जो मैंने यहाँ पे सीखी है ना, क्या क्या किया है मैंने यहाँ पे, कैसे सेटल हुआ हूँ, सब धीरे धीरे बताता रहूँगा, क्योंकि अब तो रोज़ बातें होंगी, शायद रोज़ बातें होंगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। I have no heart.